भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को जिलाधिकारी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन के माध्यम से व्यापारियों की समस्याओं से अवगत कराया। व्यापार प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक डॉक्टर अजय अग्रवाल ने कहा कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार कुछ दुकानें खुलने की अनुमति मिली है, वहीं अभी कुछ दुकानें नहीं खुली हैं, जिससे व्यापारियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसे भी खुलने की अनुमति दी जाए। डॉक्टर अजय अग्रवाल ने कहा कि जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि सभी दुकानों को चरणबद्ध खोलने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए व्यापार प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक डॉक्टर अजय अग्रवाल ने कहा, इसको भी खोलेंगे यार, पर प्रायोरिटी होता है ना गवर्नमेंट को। अब इस समय में डिमांड किस चीज का, डिमांड जीरो हो गई ना। अपनी दुकान खोलोगे दो दिन के बाद जान है सर, कोई मतलब नहीं। आप काम देखिए, हम तो पहले ही सिस्टम अभी भी चालू कर रखा हूँ, किसी दुकान खोलने से खोल रहे हैं, होम डिलीवरी अभी भी अलाउड है, पास ले ले आराम से घर जाके दे। डॉक्टर अजय अग्रवाल, व्यापार प्रकोष्ठ का क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। डीएम साहब से निवेदन किया है, कल हमारे व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष आदरणीय मनीष गुप्ता जी ने वीडियो कॉलिंग के थ्रू लखनऊ से हम लोगों को निर्देश दिया कि व्यापारियों की क्या दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, देखिए और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से उस पर जा कर के मिल लीजिए। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय भी कल वीडियो कॉलिंग लाइन पर थे, SSP साहब भी थे। उसी क्रम में हम लोग आए थे आज आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के पास कि व्यापारी जो सभी परेशान हैं, जितने भी ट्रेड हैं सबको एक एक दो दो घंटे तीन तीन घंटे ट्रायल के रूप में दुकान खोलने का मौका दिया जाए, ताकि ये देखा जाए कि भीड़ की गैदरिंग नहीं हो और सभी व्यापारी मास्क लगा के सैनिटाइजर वगैरह सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़रूरी है उसको मेंटेन करें। इसी के लिए आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के पास हम लोग मिले हैं और उनसे कहा है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि सभी को खोलेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप लोग निष्फिक्र रहें। हम लोग भी चाहते हैं कि भाई खुलेगी दुकानें तभी सरकार को टैक्स जाएगा, तभी सरकार चलेगी, सारा कार्य चल पाएगा। इसलिए धीरे धीरे उन्होंने आश्वासन दिया, सभी व्यापारियों को राहत मिलेगी।